मामूली विवाद में धारदार रॉड से की हत्या, मौके पर पुलिस। यूपी के रामपुर में दो मिठाई स्वामियों के मामूली विवाद में आपस में ऐसे भिड़े कि एक मिठाई विक्रेता ने दूसरे मिठाई विक्रेता की धारदार रॉड से वार कर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है और कार्यवाही में जुट गई है। वारदात स्वार थाना क्षेत्र के चौकी मसवासी में मामूली विवाद में दुकानदार ने दुकानदार की सर में लोहे की रॉड मारकर की हत्या। दोनों ही आमने सामने चलाते हैं मिठाई की दुकान। ग्राहक को बुलाने को लेकर हुई घटना, जमील पुत्र कलुआ ने अपने पड़ोसी दुकानदार ताहिर के सर में मारी लोहे की रॉड। आपकी रंजित थी सर पुरानी और तो दुकान आमने सामने थी तो इस वजह से वो जलते थे और ग्राहकों के ऊपर जो है झगड़ा हो गया था। तो वो जो है अपनी दुकान से धारदार हथियार लेकर आए थे, पाठल रॉड वगैरह वगैरह लेकर आए और पापा के जो है वो 10-12 जने थे, हम दोनों दो थे। उन्होंने जो है पापा पर हमला कर दिया। अच्छा, फिर हमले में जो है पापा के सर में रोड लग गई और खून बहुत गई और डेथ हो गई। अच्छा, और कौन कौन घायल हुआ उसमें आपको? मेरे सर चोट लगी। अच्छा, हमले में। अच्छा, पुलिस को तहरीर दे दी गई, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस दो को तो उन्होंने गिरफ्त में ले लिया है, अभी जमील और अफजाल बाकी उन्हें भी दबी दे रही पुलिस। तो ये जो झगड़ा था, ये मिठाई खरीदने के ऊपर बेचने के ऊपर था? बहुत सर, ग्राहक आना जाना और कम मरते वही उधर ज़्यादा इधर, मतलब हमारे पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो जलन रहती है। पुरानी रंजिश है, फिर इलेक्शन में हम जीत गए थे तो मेमोरी का। अच्छा, इलेक्शन की भी रंजिश है? हाँ, मैं इलेक्शन जीत गए थे मेमोरी का तो वो रंजिश है। तो ये इलेक्शन की रंजिश तो नहीं है खाली? अब ये वो साजिश लगी है, पुरानी रंजिश है, वो एकदम से ही सब आ गई।